देखिए, जो घबराए हुए हैं, जो चुनाव हार रहे हैं, उनकी भाषा बदल गई है। भाषा उन्हीं की बदलती है जो चुनाव हारने लगते हैं। इतने मंत्री आए, कम से कम अपनी उपलब्धि बताएं कि घोसी विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने ये सुविधाएं दी हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या यहाँ पर और जो विकास काम होने थे इलाज को लेकर के, क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है? क्या पुलिस अन्याय नहीं कर रही है? सुनने में तो ये आ रहा है कि अब सरकार पैसे और प्रशासन से चुनाव लड़ने जा रही है। प्रधान कोटेदार उनको धमकाने का काम करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ घोसी की जनता घबराने वाली नहीं है और किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। वो पूरी ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी जाति धर्म के लोग सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। देखिए, ये भाषा उन्हीं की हो सकती है जो चुनाव हार रहे हैं। मैं लखनऊ से चल कर के घोसी तक आया हूँ। ये सरकार जो बता रही थी कि 33 लाख करोड़ रुपए के पैसे के निवेश के MOU हुए हैं, मुझे बताएं कि लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक 33 लाख करोड़ में अगर 1 लाख करोड़ भी इधर आसपास कहीं भी निवेश हुआ हो तो बता दें। सर, 31 को इंडिया की बैठक होने वाली है, आप भी जा रहे हैं, एक हफ्ते के पूरा परिवार आपको समर्थन कर रहा है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समर्थन मिल रहा है। उन्हें अपने बीच का प्रत्याशी मिला है। जब अपने बीच का प्रत्याशी उन्हें मिला है तो उसे ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी घोसी जिताइए, फिर वहाँ भी जीत होगी। बीजेपी से बड़ा कौन हो सकता है झूठ बोलने वाला? जो लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, जो 46 में 56 की बात करते हों, 46 में 56, क्या 46 में 56 कोई भरोसा करेगा? और महंगाई का क्या बोलेंगे? ये जो मंत्री आ रहे हैं, इनसे पूछो सिलेंडर महंगा क्यों है? मंत्री बताएं कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? मंत्री बताएं कि खाद सस्ती क्यों नहीं है? मंत्री बताएं कि मंडी क्यों नहीं बनी? मंत्री बताएं कि जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज क्यों नहीं हो रहा? मंत्री बताएं कि यहाँ के नौकरी रोजगार नौजवानों को क्यों नहीं मिला? ये जो आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर में दे रहे हो, क्या इससे नौजवान का भविष्य बन जाएगा? इस बार हारा, जिसका नाम लिया वो हारा, इस बार नामी में हारा है, इस बार दारा हारा है। अरे, तुमने तो अच्छा याद दिला दिया, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ। ये कह रहे हो कि दारा हारा, तो वो तो जनता हरा रही है, हम थोड़ी हरा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।